वेलकम टू स्टडी विद द्रूप सर। आपके अपने चैनल स्टडी विद द्रूप सर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए रीट 2021 के पर्पस से बाल विकास के 30 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। ए वुडवर्थ, बी फ्रांसीसी गोल्टन, सी विलियम स्टर्न और डी अल्फर बिने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विलियम स्टर्न। ये रीड लेवल 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान के विकास का या भाषा के विकास का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मानसिक विकास का। क्वेश्चन नंबर तीन, ज्ञानेंद्रियों के विकास की अवस्था मानी गई है। ज्ञानेंद्रियों के विकास की अवस्था मानी गई है, ए जन्म से एक वर्ष, बी जन्म से दो वर्ष, सी जन्म से तीन वर्ष, डी जन्म से दो माह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जन्म से दो माह। क्वेश्चन नंबर चार, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है। ए मुरली ने, बी एडलर ने, सी क्रो एंड क्रो ने, डी जी वी वॉटसन ने। तो यह परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने। यह परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की है। रीड लेवल 2 में 2016 में आया था ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी गलत, क्योंकि विकास विशिष्ट सामान्य की ओर न उभर के विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये हमारा गलत है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विद्यार्थी को रीट की तैयारी करवाकर नेट की परीक्षा ली जाती है, यह कथन है द्विपार्श्विक है, सकारात्मक है, ऊर्ध अंतरण का है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऊर्ध अंतरण। यह किसका है, ऊर्ध अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 7, कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आठ, रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापक ने डंडे से पीटा और अगले दिन वह अध्यापक के हाथ में डंडा देकर रोना प्रारंभ कर देती है। अधिगम का यह अंतरण है ऊर्ध अंतरण, नकारात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण। ये कौन सा हो जाएगा, डी द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, राधा ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है, वह असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है, ए सफलता की, बी अभिप्रेरणा की, सी पुनर्वलन की, डी भोजन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पुनर्वलन की। क्वेश्चन नंबर 10, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया और संबंध उद्दीपक अनुक्रिया। तो यह कौन सा हो जाएगा, सी संबंध अनुक्रिया, क्योंकि कुत्ते ने घंटी के साथ अपने आप को संबंध स्थापित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो कौन सा है, त्रिआयामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्ध होती है 100 से 110, 90 से 110, 89 से 90, 110 से 120 और 79 से 90। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 से 110। सामान्य बुद्धि कितनी होती है, 90 से 110। क्वेश्चन नंबर 13, कम गति से सीखने वाले बच्चे के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान शिक्षण, प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14,
विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा? डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, बी मुक्त चिंतन से, सी अभिसारी चिंतन से, डी अनुकरण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 16, RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य के घंटे हैं, ए 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे, डी 48 घंटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम अधिनियम 2010 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाता है, 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए 2 किमी पैदल दूरी, बी 6 से 8 तक कक्षाओं के लिए 3 किमी पैदल दूरी, सी 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 किमी पैदल दूरी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? सी 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 किमी पैदल दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? हल ने, बी पावलव ने, सी गुथरी ने, डी कैटन ने। तो ये किसने दिया? बी पावलव ने। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक के जनक हैं, ए गिलफोर्ड, बी थॉर्नडाइक, सी जॉन ड्यूवी, डी पियाजे। तो ये किसकी पुस्तक है? ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक की है। क्वेश्चन नंबर 20, एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए अल्फोर्ट, बी स्टेनेहॉल, सी जयराम एस ब्रूनर, डी कोडलेवेन। तो ये किसने लिखी है? स्टेनेहॉल। नेक्स्ट, आज 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन अगली प्रैक्टिस सेट में लाएंगे। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फायदा हो जाती है।